का दीदार करने आगरा पहुंचे पर्यटक को अचानक साइलेंट अटैक आ गया, जिसके कारण युवक जमीन पर गिर पड़ा। युवक की हालत बिगड़ते देख आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। गनीमत रही कि भीड़ में एक व्यक्ति ने समय पर सीपीआर देकर युवक की जान बचा ली। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आगरा पहुंचे पर्यटक को आया साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक के कारण जमीन पर गिरा युवक। युवक की हालत गंभीर, लोगों की लगी भीड़। काम आया सीपीआर, बच गए प्राण। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जी हाँ, आगरा के ताजमहल से सामने आई कुछ तस्वीरें इसी कथन को सत्य साबित करती हैं। हरियाणा से अपने दोस्तों के साथ 26 वर्षीय हितेश कुमार ताजमहल का दीदार करने पहुंचा था। टिकट विंडो के पास पर्यटक को अचानक साइलेंट अटैक आ गया, जिसके चलते पर्यटक जमीन पर लेट गया और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। पर्यटक के साथ आए दोस्त भी इस स्थिति को देखकर घबराने लगे। गनीमत रही कि सही वक्त पर भीड़ में से एक युवक मददगार बन गया। भीड़ में से एक युवक ने आगे आकर सही समय पर पर्यटक को सीपीआर दिया। मौके पर मौजूद चेकिंग अधिकारी और थाना ताज सुरक्षा पुलिस के क्विक रिस्पांस टीम के प्रभारी उप निरीक्षक शिवराज सिंह ने अपनी टीम के साथ तत्काल कार्रवाई करते हुए पर्यटक को प्राथमिक उपचार दिलाया। पार्किंग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र से एम्बुलेंस मंगाई गई और नर्सिंग ऑफिसर प्रेम सिंह ने उन्हें तुरंत इमरजेंसी सहायता दी और इसके बाद पर्यटक को जिला अस्पताल भिजवाया गया। समय पर इलाज मिलने के कारण युवक की न सिर्फ जान बच सकी बल्कि कुछ ही समय में अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। पर्यटक हिमांशु राजपूत ने आगरा पुलिस को मदद के लिए धन्यवाद दिया और होटल में ही रहने की बात कही। देखा जाए तो बीते समय में कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं, जब अचानक ही लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इन घटनाओं की फेरिस्त भी लंबी है। साइलेंट अटैक के बढ़ते मामले। गाजियाबाद में नमाज पढ़ने के दौरान हाजी हनीफ की मौत। मैनपुरी में हनुमान का किरदार कर रहे रवि शर्मा की अचानक मौत। वाराणसी में जिम के दौरान दीपक गुप्ता की मौत। बरेली में पार्टी में डांस करते हुए लैब टेक्नीशियन की मौत। अधिकांश मृतकों की उम्र 20 से 40 साल के बीच। खैर, अब पर्यटक की हालत में सुधार है और यही खबर जरूरी है कि समय पर इस तरह से सहायता मिलने पर कैसे कोई किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट, टीम न्यूज स्टेट।